नमस्कार दोस्तों, माँ राममूर्ति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.3 के कुछ सम रह गए थे, तो मैं उन सम को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ बच्चों। तो हमारा 12th सम क्या है? इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म, इफ एस एन मीन्स क्या है, सम ऑफ एन टर्म। एस एन का मतलब क्या है बच्चों? सम ऑफ एन टर्म। ऑफ एन एपी, एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म, किसी एपी में सम ऑफ एन टर्म। प्रूव दैट एस 30, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना हमें? एस 30 माइनस इज इक्वल टू 3 इंटू एस 20 माइनस एस 10। बच्चों हमें एस 30 को 3 इंटू एस 20 माइनस एस 10 के इक्वल प्रूव करना है। अब सिंस एपी की बात हो रही है बच्चों, और एपी में हम फर्स्ट टर्म को ए अज्यूम कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी। लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। बच्चों हमें एस 30 निकालना है, तो एस 30 क्या होगा हमारे पास बच्चों? एस एन का फार्मूला क्या होता है? एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है बच्चों हमारे पास एस एन का। सो एस 30 का फार्मूला क्या होगा? एन की वैल्यू 30 रखें हम लोग, 30 बाय टू टू ए प्लस 30 माइनस वन इंटू डी। सो 15 बन गया बच्चों हमारे पास। 15 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 15 टू जा 30 ए प्लस 30 माइनस वन 29 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 30 ए प्लस 59 जा 135, 15 टू जा 30 प्लस 43 435 डी। एस 30 बच्चों हमारे पास कितना आया? 30 ए प्लस 435 डी। और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों हमारे पास? राइट हैंड साइड है हमारे पास 3 इंटू एस 20 माइनस एस 10। सो बच्चों 3 एज इट इज, एस 20 एन की वैल्यू अगर इस फार्मूले में 20 रखूं एस एन वाले में, तो क्या आएगा फार्मूला? 20 बाय 2 टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। एस 10 का फार्मूला क्या होगा बच्चों? 10 बाय 2 टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 25 जा 10, 210 जा 20। सो बच्चों 3 इंटू 10 के अंदर मल्टीप्लाई होगा 20 ए प्लस 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 10 190 डी माइनस 5 टू जा 10 ए और माइनस 5 को 10 माइनस 1 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 प्लस का आएगा, लेकिन ये माइनस के साथ खुलेगा तो माइनस का 45 डी। सो बच्चों 3 इंटू 20 ए माइनस 10 ए आ गया 10 ए, 190 डी माइनस 45 डी 145 डी। सो बच्चों 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 30 ए प्लस 3 को 35 जा 15, 3 4 जा 12 और प्लस 1 13, 3 1 जा 3 प्लस 4 35 डी। सो बच्चों हमने देखा एस 30 किसकी को लाया? सेम है ना, 30 ए प्लस 1 प्लस 4 35 डी। तो एस 3 इंटू एस 20 माइनस एस 10 भी हमारे पास कितना आया बच्चों? 30 ए प्लस 4 35 डी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, 12th का फर्स्ट पार्ट था ये। अब 12th का सेकंड पार्ट क्या है? उसने कहा दी सम ऑफ एंड टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास, उनकी सम ऑफ एंड टर्म का को किससे डिनोट किया है?
S1, S2 and S3. The first term of each is unity and common difference 1, 2, 3 respectively. देखिए बच्चों S1 है, S1, S2, S3 उसने क्या कहा है? Sum of n terms of 3AP. S1 है sum of n term, sum of n term of first AP. और S2 क्या है बच्चों? Sum of n term of second AP. इसके बाद S3 क्या है बच्चों हमारे पास? Sum of n term of third AP. इन फर्स्ट एपी उसने बोला है, फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? उसने कहा है इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज यूनिटी, सभी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? यूनिटी. यानी पहले एपी में भी फर्स्ट टर्म यूनिटी है और कॉमन डिफरेंस क्या है पहले एपी का? 1, डी है 1. और सेकंड एपी में, इन सेकंड एपी फर्स्ट टर्म तो सबकी यूनिटी है और कॉमन डिफरेंस कितना है सेकंड एपी का? 2, डी है 2. और इन थर्ड एपी बच्चों, थर्ड एपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या है बच्चों? 1 है और कॉमन डिफरेंस अगेन हमारे पास कितना है? 3. उसने कहा है इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंस आर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली. यानी पहले एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है. तो प्रूव क्या करना है बच्चों हमें? टू प्रूव करना है S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2. सो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं बच्चों में. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? S1 प्लस S3. अब S1 क्या है बच्चों हमारे पास? सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी की n टर्म का सम. यानी फर्स्ट एपी में n टर्म का सम क्या आएगा? n बाय 2 2a. a की वैल्यू कितनी है बच्चों फर्स्ट एपी में? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना बच्चों फर्स्ट एपी में? 1. प्लस S3 क्या है? सम ऑफ n टर्म ऑफ थर्ड एपी, थर्ड एपी की n टर्म का सम n बाय 2 2a. a की वैल्यू सब में 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना बच्चों थर्ड एपी में? 3. सो n बाय 2 सारे से कॉमन आ गया बच्चों, अंदर कितना बच गया? 2 प्लस n माइनस 1 और यहां से बच गया 2 प्लस 3n माइनस 3. सो बच्चों हमारे पास आया n बाय 2 और यहां से n और 3n हमारे पास आया 4n और 2 माइनस 1 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0. यानी हमारे पास क्या आया बच्चों? ये n 2 2 4 तो 2n स्केयर आया बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड क्या आएगी बच्चों? राइट हैंड साइड RHS. राइट हैंड साइड हमने क्या प्रूव करना था? ये S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2. सो 2S2 मीन्स ट्वाइस ऑफ S2. S2 क्या है? सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकंड एपी. सेकंड एपी में सम ऑफ n टर्म का फार्मूला n बाय 2 2a. a की वैल्यू बच्चों 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना बच्चों सेकंड एपी में? 2. सो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों. ये n इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2. सो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, सो बच गया क्या? n इंटू 2n. सो 2n स्क्वायर. सो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 2n स्क्वायर था, राइट हैंड साइड भी क्या आया? 2n स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. बच्चों अब हम बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की ओर. 13th क्वेश्चन हमारा क्या है? 13th का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे हैं.
थर्टीन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों। थर्टीन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ द रेशो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू एपीज, हमारे पास दो एपीज हैं, उनकी एन टर्म के सम का रेशो क्या है, 14-4n रेशो 3n+5, यानी टू एपीज हैं, लेट S1 या SN डिनोट सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड ये S1 लगा लो बच्चों। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, और S2 क्या है बच्चों हमारे पास, सम ऑफ एन टर्म ऑफ सेकंड एपी। और हमें गिवन क्या है बच्चों, दो एपीज की एन टर्म का सम ऑफ एन टर्म का रेशो कितना है, यानी S1 अपॉन S2 कितना दे रखा है बच्चों, 14-4n अपॉन 3n+5। सो उसने कहा क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एट्थ टर्म, हमें इनकी एट्थ टर्म का रेशो निकालना है बच्चों। एट्थ टर्म इज दोनों की एट्थ टर्म का रेशो निकालना है। एट्थ टर्म मींस सपोज लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल डी बी दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, पहले एपी का फर्स्ट टर्म क्या है ए और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, और कैपिटल ए एंड कैपिटल डी बी डी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी। बच्चों हमने ये अजूम कर लिया, हमें निकालना क्या है बच्चों, इनकी एट्थ टर्म का रेशो। एट्थ टर्म मींस ए, पहले एपी की एट्थ टर्म को हम ए 8 बोलेंगे और सेकंड एपी की एट्थ टर्म को हम क्या कहेंगे, कैपिटल ए 8। और एट्थ टर्म का रेशो मींस ए प्लस 7d, एट्थ टर्म को ए प्लस 7d बोलेंगे, तो सेकंड एपी की एट्थ टर्म को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ए प्लस 7 × D। ये हमें बच्चों क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। हमें गिवन क्या है बच्चों, S1/S2 इनकी सम ऑफ एन टर्म का रेशो दे रखा है दोनों एपीज की, मुझे इनकी एट्थ टर्म का रेशो निकालना है। एट टर्म इज ए 8 अपॉन कैपिटल ए 8। सो बच्चों S1 क्या है, S1 अपॉन S2 हमें दे रखा है 14-4n अपॉन 3n+5। S1 क्या है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, और सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी का क्या है फार्मूला है, n/2 2a, a कितना है a प्लस n-1 × d, स्मॉल d है आपके पास, पहले एपी में फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, और सेकंड एपी में सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या है, वही n/2 2a, लेकिन यहाँ पे a फर्स्ट टर्म कितनी है, कैपिटल a, प्लस n-1 × डिफरेंस क्या है बच्चों हमारे पास, कैपिटल डी। सो ये किसके इक्वल है, 14-4n अपॉन 3n+5, n/2 से n/2 कैंसिल। बच्चों देखिए हमें a 8 निकालना है, यानी यहां पे चाहिए क्या, हमें a प्लस 7d चाहिए। a प्लस 7d कैसे बनेगा बच्चों, यहां पे अगर यहां पे देखिए 2 है ना, पहले 2 नहीं चाहिए, 2 हमारा कॉमन होना चाहिए। 2 कब कॉमन होगा, अगर यहाँ सारा ए प्लस 7d बनाना ना हमें यहाँ पे, तो हमारे 2a प्लस यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले हम, 2a प्लस 14d होना चाहिए, क्योंकि 2a प्लस 14d हो जाएगा तो ये क्या होगा, 2a प्लस 14d में देखिए 2a प्लस 14d अगर होगा यहाँ ऊपर, सो 2 कॉमन आ जाएगा तो बच्चे बच जाएगा क्या हमारे पास, a प्लस 7d बच जाएगा ना। इट मीन्स हमें 2a तो है हमारे पास, अगर यहाँ पे a होता तो फिर हमें मुझे a प्लस 7d चाहिए होता, लेकिन यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 14d चाहिएगा, तभी 2 कॉमन होगा तभी a प्लस 7d बनेगा। तो इसके लिए बच्चों मैं क्या करूंगा,
यहाँ एन की जगह क्या पुट करूं ताकि ये कितना बन जाए 14 बने, यानी एन की वैल्यू अगर 15 पुट करूं तो ये 14 बन जाएगा, और नीचे भी देखिए 15 माइनस 1 ये भी 14 बन जाएगा। सो पुट एन इज इक्वल टू 15। सो बच्चों ये आ जाएगा 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, और नीचे आ जाएगा 2 कैपिटल ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एन की वैल्यू फिर 15 रखनी पड़ेगी हमें, 14 माइनस 4 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 15 प्लस 5। सो बच्चों देखिए 2a प्लस 15 माइनस 1 14 डी, और 2a प्लस 15 माइनस 1 14 डी कैपिटल डी इज इक्वल टू 14 माइनस 15 जो कि 60 बटे 45 प्लस 5। बच्चों यहां से 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, अंदर कितना बचेगा a प्लस 7 डी, और यहां से 2 कॉमन हुआ कैपिटल a प्लस कैपिटल 7 डी, और यहां बन गया बच्चों 14 माइनस 60 46 और 45 प्लस 5 51। सो 2 से 2 कैंसिल। सो बच्चों हमारे पास क्या मिल गया हमें, a 8 a प्लस 7 डी 8 हो गया, और नीचे a प्लस 7 डी कैपिटल a 8, यानी हमें यहां से मिल गया स्मॉल a 8 अपॉन कैपिटल 8 इज इक्वल टू 46 बाय 51। सो बच्चों हमें इनकी 8th टर्म का रेशो ही तो निकालना था, तो a 8 को हम क्या कहेंगे 8th टर्म, और ये कैपिटल a 8 को सेकंड ap की 8th टर्म, तो इनकी दोनों ap की 8th टर्म का रेशो हमारे पास कितना है 46 बाय 51। बच्चों देखिए आपको जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 15 पुट करना है, आपको बता दूं बच्चों हमें 7th 8th टर्म का रेशो निकालना है तो हमें a प्लस 7d चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2a है, यानी हमें 2a 2 नहीं चाहिए, तो 2 को हम खत्म कैसे कर सकते हैं बच्चों, 2 कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 7 चाहिए आपको, अगर मैं यहाँ पे अगर n की वैल्यू 8 पुट करूं तो ये 7 तो बन जाएगा, लेकिन 2a प्लस 7d बनेगा, लेकिन हमें चाहिए a प्लस 7d, तो फिर मैं 2a प्लस 7d बनेगा ना, क्योंकि मुझे 7d चाहिए, तो लेकिन 2 तो मुझे नहीं चाहिए, तो 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो इट मीन्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 14 बने होगा तभी तो 7 बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें इस सारे को क्या बनाना है 14। तो n की वैल्यू क्या पुट करूँ ताकि ये 14 बने, तो n की वैल्यू मैंने 15 पुट करी तो 14 बन गया, तो 14 बन गया तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 7d बन गया, और यहाँ पे भी a प्लस 7d, तो हमें ये a 8 हो गया, और ये 8th टर्म होगी फर्स्ट ap की, और ये 8th टर्म होगी सेकंड ap की। सो बच्चों हमें यही चाहिए था, इसका सेकंड पार्ट हमने ऐसे ही करना है और खुद करेंगे हम लोग। इसके बाद बच्चों 14 सम ध्यान से देखना बच्चों आपने, 14 सम को मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, इसको थोड़ा इस तरीके से मुझे करवाना पड़ेगा कॉपी को ऐसे करके। देखिए हमें दिस सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ ए पी आर ए बी सी, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म क्या है गिवन क्या है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म एस पी, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म, यानी एस पी सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म मीन्स एस क्यू, और सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म मीन्स एस आर, हमें गिवन है बच्चों सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म है ए, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म है बी, एंड सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म है सी रिस्पेक्टिवली। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी मैथ्स में भी है ये क्वेश्चन, इसको हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। सो बच्चों अब एपी में किसी एपी में सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म दे रखा है ए, क्यू टर्म दे रखा है बी, और आर टर्म दे रखा है सी, हम क्या करते हैं लेट कैपिटल ए एंड
कैपिटल डी बी डी बी डी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो बच्चों हमने क्या किया, हमने कैपिटल ए और कैपिटल डी को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अज्यूम कर लिया किसी एपी में। सो हमें गिवन है एस पी इज इक्वल टू ए, एस क्यू इज इक्वल टू बी एंड एस आर इज इक्वल टू सी। बच्चों एस पी ए गिवन है, एस पी का फार्मूला क्या है, जैसे एस एन का फार्मूला होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, तो एन की जगह पी रखा जाएगा, पी बाय टू टू ए, ए कितना बच्चों कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी कितना है कैपिटल डी इज इक्वल टू ए। एस क्यू क्या है बच्चों, ये सपोज करो एस क्यू क्या है, क्यू बटे दो टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या है बी। और एस आर बच्चों हमारे पास क्या है, आर बाय टू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू सी। सो बच्चों मुझे चाहिए क्या, देखिए जो प्रूव करना है, ए बटे पी चाहिए, बी बटे क्यू चाहिए, सी बटे आर। ए बटे पी बन सकता है ना, देखिए ये पी डिवाइड में आ गया है यहां से, तो यहां से टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये बटे में टू है तो मल्टीप्लाई में चला गया, टू ए प्लस ये पी मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ गया, हमें चाहिए था ए बटे पी तो ए बटे पी बन गया। फिर चाहिए बी बटे क्यू, देखिए बी बटे क्यू चाहिए ना जो प्रूव कर रहा हूं उसमें, सो बी बटे क्यू यहां से बन जाएगा, क्यू डिवाइड में आ जाएगा टू ऊपर चला जाएगा, सो टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू बी बटे क्यू। अब बच्चों हमें चाहिए आर सी बटे आर, तो इसी तरह से यहां पे टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी, ये टू मल्टीप्लाई में चला जाए टू सी और आर डिवाइड में चला जाएगा बाय आर। सो बच्चों लेट दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ये तीन इक्वेशन बन गई। अब हमें चाहिए क्या, ए बटे पी के साथ क्यू माइनस आर चाहिए, ये ए बटे पी है इसके साथ क्यू माइनस आर, यानी फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दे क्यू माइनस आर से दोनों साइड। बी बटे क्यू के साथ क्या चाहिए बच्चों हमारे पास, आर माइनस पी, तो इसको आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दे। सी बटे आर के साथ पी माइनस क्यू चाहिए, तो इसको पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दे। सो बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको पी माइनस क्यू, इसको ए बटे पी के साथ क्यू माइनस आर चाहिए, तो इसको क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई वन बाय क्यू माइनस आर, टू बाय टू को किससे मल्टीप्लाई करें, बी बटे क्यू के साथ आर माइनस पी चाहिए, आर माइनस पी, और तीसरी को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, सी बटे क्या आर के साथ चाहिए पी माइनस क्यू, थ्री बाय पी माइनस क्यू। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें करना क्या, ये बन जाएंगे फिर इनको हम ऐड करना है। सर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी की मल्टीप्लाई किसके साथ कर लेंगे दोनों साइड, आर क्यू माइनस आर से, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्यू माइनस आर। सो यहां लिख देता हूं बच्चों मैं क्यू माइनस आर, दोनों साइड करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो इस साइड में भी टू ए बटे पी क्यू माइनस आर, ये सपोज करो फोर्थ इक्वेशन होगी बच्चों हमारे पास। इसके बाद इसकी किससे मल्टीप्लाई करें, बी बटे क्यू की आर माइनस पी से, सो इसको आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, आर माइनस पी की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेना बच्चों, टू ए प्लस
क्या u माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू बी बटे क्या u आर माइनस पी। बच्चों इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, p माइनस क्या उसे, सो ये होगी सपोज करो पांचवी इक्वेशन। अब इसकी p माइनस क्या उसे मल्टीप्लाई करो, p माइनस क्या u की मल्टीप्लाई इसके साथ 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी होगी मल्टीप्लाई इसकी p माइनस क्या u, और दोनों साइड करेंगे ना तो 2c बाय आर इंटू पी माइनस क्या u। सो बच्चों ये होगी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। देखिए बच्चों हमारे पास बन गया ना जो हमें चाहिए था। देखिए प्रूव क्या करना था, a बाय पी क्या u माइनस आर, b बाय क्या u आर माइनस पी, c बाय आर पी माइनस क्या u। देखिए a बाय पी क्या u माइनस आर, b बाय क्या u आर माइनस पी, c बाय आर पी माइनस क्या u। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है बच्चों, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ को तो हमारे पास ये सारी इक्वेशन बन जाएगी और हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए जीरो। तो हम इन तीनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद अब इनकी प्लस करेंगे तो एक साइड में तो बन जाएगा जीरो और दूसरी साइड में ये हमारे पास ये बन जाएगी जो हमें चाहिए। सो हम ऐड कर देते हैं, ऐड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। जब हम ऐड करेंगे तो सबकी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। सो बच्चों जब लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, पहली क्या u माइनस आर ये है, इसमें क्या ऐड हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी और ये ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में इसमें राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी बच्चों। सो करते हैं ऐड, क्या u माइनस आर टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी में क्या ऐड होगा बच्चों, इसकी राइट हैंड साइड आर माइनस पी टू ए प्लस क्या u माइनस वन इंटू डी, फिर इसमें फिर आगे क्या ऐड होगा बच्चों, ये वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है p माइनस क्या u टू ए प्लस क्या u माइनस वन इंटू डी, और बच्चों राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड क्या ये इसमें ये ऐड हो जाएगी और ये ऐड हो जाएगी ठीक है। सो टू ए बाय पी क्या u माइनस आर में ऐड हो जाएगा टू बी बाय क्या u आर माइनस पी प्लस टू सी बाय आर पी माइनस क्या u। सो बच्चों हमारे पास देखिए राइट हैंड साइड में वो सेम चीज बन गई ना, टू कॉमन हो जाएगा यहाँ से। सो जो हमें चाहिए था ये देखिए यहाँ पे ये चाहिए था तो ये मिल गया हमें राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर जीरो बन जाए इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद अगर ये जीरो बन जाता है तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है बच्चों, हमें इस सारे को जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो क्या u की मल्टीप्लाई इसके साथ करें, इस सारे के साथ, तो क्या होगा बच्चों, क्या u की जब इस सारे के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई है ना तो 2a क्या u हो जाएगा, फिर क्या u की मल्टीप्लाई इसके साथ करें pd माइनस d, ये pd माइनस d है ना, d को अंदर pd माइनस d, ये pd के साथ मल्टीप्लाई करें क्या u की, सो pd क्या u pd था ना क्या u, फिर क्या u की मल्टीप्लाई माइनस d के साथ करें तो माइनस d क्या u। सो बच्चों फिर माइनस आर की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, माइनस टू ए आर, माइनस आर की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे और डी के साथ करोगे, माइनस आर डी को यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस टू पी आर डी, फिर माइनस आर की मल्टीप्लाई इस माइनस डी के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस का डी आर। बच्चों अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो ऐसी, आर की मल्टीप्लाई यहां करोगे टू ए आर, फिर बच्चों आर की मल्टीप्लाई इसके साथ करो आर डी, आर डी को अंदर मल्टीप्लाई करो टू क्या हुआ आर डी, फिर आर डी की मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करो माइनस आर डी। अब माइनस पी की मल्टीप्लाई यहां करो बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू ए, माइनस पी की मल्टीप्लाई यहां करोगे
पी माइनस पी की यहां मल्टीप्लाई करोगे माइनस पी डी क्यू, फिर माइनस पी की यहां मल्टीप्लाई करो माइनस डी के साथ। सो अब इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इस सारे के साथ करोगे आप लोग, जब मल्टीप्लाई करोगे पी की टू ए के साथ तो क्या आएगा टू ए पी, पी की फिर मल्टीप्लाई यहां करो प्लस पी डी क्यू, पी की मल्टीप्लाई डी के साथ पी डी क्यू अंदर माइनस पी डी। इसके बाद बच्चों मैं यहां कर रहा हूं मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस क्यू की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे क्यू डी, जब डी के अंदर मल्टीप्लाई क्यू डी के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस का क्यू की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे बच्चों। सो क्यू इंटू क्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे जब बच्चों, ये आर माइनस वन है तो ये देखिए आर माइनस वन था तो ये आर माइनस वन है, जब पी की यहां मल्टीप्लाई करोगे टू ए पी और ए पी की यहां मल्टीप्लाई करोगे पी आर डी आएगा बच्चों, ये पी आर पी डी आर, ये आर आएगा बच्चों माइनस पी डी। अब माइनस क्यू को यहां मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या आएगा हमारे पास माइनस टू क्यू को यहां माइनस टू ए क्यू, फिर माइनस क्यू को यहां मल्टीप्लाई करोगे माइनस क्यू आर डी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा फिर क्यू डी, और बच्चों राइट हैंड साइड में यहां से टू कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा बच्चों हमारे पास ए बाय पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर पी माइनस क्यू। सो बच्चों देखिए अब हम कैंसिल करने जा रहे हैं, ये प्लस का टू ए क्यू है इससे माइनस का टू ए क्यू ये कैंसिल हो गया, प्लस का टू पी डी क्यू है और टू पी डी क्यू है, और यहां पे देखिए बच्चों टू क्यू को जब यहां पी डी क्यू है ना क्यू को जब यहां मल्टीप्लाई करें पी डी क्यू आएगा बच्चों, ये सिर्फ पी डी क्यू की ये प्लस का पी डी क्यू है और ये माइनस का पी डी क्यू है, ये माइनस का डी क्यू है और ये प्लस का डी क्यू है, ये माइनस का टू ए आर है और ये प्लस का टू ए आर है ये माइनस, और यहां पे बच्चों देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आर की क्यू आर डी ये माइनस टू पी आर डी आएगा ना, ये वाली मल्टीप्लाई इसके साथ होगी इसके साथ होगी इसके साथ होगी इसके साथ होगी, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो पी आर डी आएगा बच्चों, ये टू नहीं आएगा तो माइनस का पी आर डी है और ये प्लस का पी डी आर है और ये प्लस का डी आर है, ये माइनस का डी आर है, ये क्या वो आर डी प्लस का है और ये माइनस का है, ये माइनस का टू ए पी है ये प्लस का टू ए पी है, पी डी प्लस का है ये माइनस का पी डी है। सो बच्चों हमने जब देखा तो राइट हैंड साइड में क्या बन गया जीरो, और ये जीरो ये टू मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके जीरो की साइड में आके जीरो के डिवाइड में आ जाएगा, सो यानी ए बाय पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर पी माइनस क्यू किसके इक्वल आया बच्चों जीरो के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था बच्चों, हैंस प्रूव। इसके बाद बच्चों हमारे पास 15th क्वेश्चन है, उसने कहा इफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए बी सी, यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है यानी ए दे रखा है ए, सेकंड टर्म यानी ए टू दे रखी है बी, एंड लास्ट टर्म मीन्स ए एन दे रखी है सी रिस्पेक्टिवली, शो दैट द सम इज, यानी एस एन कितना दिखाना है बच्चों बी प्लस सी माइनस टू ए इंटू ए प्लस सी बटे टू इंटू बी माइनस ए, सम हमने ये प्रूव करना बच्चों। अब देखिए गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म हमें पता है ए पता है ए, ए टू हमें पता है बी, ए टू मीन्स ए प्लस डी किसके इक्वल है बी के इक्वल है, और ए एन मीन्स
ए एन सी है, तो यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है बच्चों। सो ए तो हमारे पास ए है, और डी कितना आ जाएगा बच्चों, डी माइनस ए आ जाएगा हमारे पास डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू जब हम यहां रखेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी माइनस ए, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। सो एन माइनस वन किसके इक्वल आएगा बच्चों, सी माइनस ए, ये प्लस का ए उस साइड आके माइनस का ए, और ये बी माइनस ए मल्टीप्लाई में किस में आ गया, डिवाइड में। सो एन किसके इक्वल आया बच्चों, सी माइनस ए बटे बी माइनस ए, माइनस का वन उस साइड आके प्लस का वन। सो एन आ गया हमारे पास बी माइनस ए एलसीएम, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए। सो एन कितना आया बच्चों हमारे पास, सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए। और हमें एस एन निकालना है ना बच्चों, एस एन मैं यहां निकाल रहा हूं। एस एन का फार्मूला क्या है, एन बाय टू ए प्लस ए एन, यही है ना बच्चों फार्मूला शॉर्ट। एन कितना है हमारे पास, बी प्लस सी माइनस टू ए बाय बी माइनस ए, ये है ना बच्चों एन, एन बाय एन की वैल्यू रखी हमने यहां से बाय टू बटे दो रख दिया, ए प्लस ए एन। अब ए कितना बच्चों हमारे पास, ए प्लस ए एन कितना हमारे पास, ए एन की वैल्यू हमारे पास सी। सो बच्चों देखिए हमें यही प्रूव करना था, शो यही करना था ना, शो करो टू शो यही करना था ना, कि एस एन जो आएगा बी प्लस सी माइनस टू ए, बी प्लस सी माइनस टू ए बटे इंटू ए प्लस सी बटे टू बी माइनस ए, हैंस प्रूव। सम देखते हैं तो 16 सम क्या है, इफ द सम ऑफ पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू, सम ऑफ पी टर्म कितना है बच्चों, एस सम ऑफ पी टर्म क्यू, और फिर उसने क्या है एंड सम ऑफ क्यू टर्म, यानी एस सम ऑफ क्यू टर्म मीन्स एस क्यू कितना है, पी है। टू शो क्या करना है बच्चों, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म, यानी एस पी प्लस क्यू किसके इक्वल दिखाना है बच्चों, हमने पी माइनस क्यू इंटू वन प्लस टू क्यू अपॉन पी। देखिए बच्चों हमारे पास किसी एपी में सम ऑफ पी टर्म क्या है, सम ऑफ क्या टर्म पी है, लेट ए एंड डी बी दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमने ए को फर्स्ट टर्म मान लिया बच्चों, और डी को क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों। सो एस पी हमें दे रखा है, एस पी कितना दे रखा है क्यू, और एस पी का फार्मूला क्या है बच्चों, क्यू बाय टू एस पी बाय टू, एस पी है ना पी बाय टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू किसके बच्चों, क्यू के है। और एस क्यू कितना दे रखा है बच्चों, पी, और एस क्यू का फार्मूला क्यू बाय टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। सो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल आया, ये टू ऊपर चला गया, टू क्यू बटे पी, और इसी तरह से टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल आया, टू पी अपॉन क्यू, ये टू मल्टीप्लाई में क्यू डिवाइड में। सो हमने एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करते हैं, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इस वाली इक्वेशन को इसके डाउन में रखता हूं बच्चों में, ये क्या है टू पी अपॉन क्यू, ये वन है और ये टू है। सो बच्चों माइनस करें, माइनस 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 ये कैंसल, अब इन दोनों में से यानी पी माइनस वन इंटू डी में से डी कॉमन आ जाएगा बच्चों इन दोनों में से, तो पी माइनस वन में से क्या माइनस करना है, नीचे वाला क्यू माइनस वन, ये क्यू माइनस वन करना ना,
जब माइनस करेंगे क्यू माइनस वन को तो माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा, और यहाँ पे टू पी क्यू अपॉन पी में से क्या माइनस होएगा बच्चों, टू पी अपॉन क्यू। सो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, पी माइनस क्यू, और यहां से पी क्यू एलसीएम हो गया हमारे पास। जब पी क्यू एलसीएम होएगा तो ये क्या आ जाएगा, टू क्यू स्क्वायर माइनस पी को यहां टू पी स्क्वायर। सो बच्चों डी इज इक्वल टू डी इंटू पी माइनस क्यू, टू कॉमन हो गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाए, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बच जाएगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी बटे पी क्यू। बच्चों इसमें से माइनस कॉमन लूं अगर मैं, सो डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बनेगा, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू बाय पी क्यू। पी माइनस क्यू से दोनों साइड पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया बच्चों। सो डी हमारे पास कितना आ गया, माइनस का ये टू बी है ना बच्चों, यहाँ पे टू इंटू पी प्लस क्यू बाय टू। सो बच्चों मुझे निकालना क्या था, सम ऑफ पी प्लस पी माइनस क्यू टर्म का सम निकालना था ना बच्चों मैंने। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमें सम ऑफ पी माइनस क्यू टर्म का सम निकालना था, सम ऑफ पी माइनस क्यू टर्म कितना आएगा, पी माइनस क्यू इंटू वन प्लस टू ए टू क्यू बाई पी। तो एस पी माइनस क्यू निकालना बच्चों, एस पी माइनस क्यू का फार्मूला क्या आएगा, पी माइनस क्यू बाय टू टू ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। सो बच्चों आगे मैं इसको पी माइनस क्यू बाय टू टू ए प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, पी माइनस वन माइनस क्यू, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, आगे पीछे कर दू इंटू डी। सो ये क्या आएगा, पी माइनस क्यू बाय टू टू ए प्लस पी माइनस वन के साथ डी को अलग कर दो, पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू के साथ अलग से क्यू डी। सो बच्चों टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यहां से देखिए बच्चों टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये देखिए टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये किसके इक्वल था हमारा, टू क्यू बाय पी के इक्वल था। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू रख देते हैं टू क्यू बाय पी, तो यहां पे रख देते हैं पी माइनस क्यू बाय टू, और टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी रखी बच्चों ने, टू क्यू बाय पी माइनस क्यू इंटू डी की वैल्यू बच्चों हमने अभी निकाली थी, डी की वैल्यू कितनी निकाली थी, माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू बाय टू, यही निकाली थी ना, माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू बाय पी क्यू, पी क्यू ये वैल्यू निकाली थी। सो डी की वैल्यू माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू बाय पी क्यू। सो बच्चों पी माइनस क्यू बाय टू टू क्यू बाय टू, और माइनस माइनस प्लस टू क्यू इंटू पी प्लस क्यू बाटे पी क्यू, और क्यू से बच्चों क्यू कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना बटे पी है ना, सबका एलसीएम कितना है बच्चों, पी माइनस क्यू बाय टू। सो पी सारे का एलसीएम हुआ तो टू क्यू प्लस टू पी प्लस टू क्यू, ये बनेगा बच्चों, दो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास एस पी माइनस क्यू किसके इक्वल आया, पी माइनस क्यू बटे दो, सो टू पी प्लस फोर क्यू अपॉन पी। सो बच्चों टू सारे से कॉमन आ गया, पी माइनस क्यू बाय टू
जब मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा बच्चों, पी प्लस 2 क्यू बटे पी। सो 2 से 2 कैंसिल, सो पी माइनस क्यू इंटू पी के डाउन में पी को अलग करो 1 और प्लस इसके डाउन में अलग से करो 2 क्यू बाय पी। मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया पी के डाउन में अलग से और इसके डाउन में अलग से। दिस वी हैड टू प्रूव। बच्चों 17th क्वेश्चन है हमारे पास, 17th क्वेश्चन है। उसने कहा है 17th क्वेश्चन, इफ द पीएथ टर्म, द पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज ए, पीएथ टर्म इज ए पी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, एंड क्यूथ क्यूथ टर्म इज बी, क्यूथ टर्म मीन्स कितने है, ए क्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। प्रूव दैट सम ऑफ इट्स पी प्लस क्यू टर्म, यानी मुझे सम निकालना है किसका, पी प्लस क्यू टर्म्स का, वो किसके इक्वल दिखाना है, पी प्लस क्यू बाय टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। सो बच्चों लेट कैपिटल ए एंड ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी बी दी कॉमन डिफरेंस। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने ये कैपिटल ए को फर्स्ट टर्म क्यों एज्यूम किया, क्योंकि स्मॉल ए तो बच्चों हमें पीएथ टर्म दे रखी है ना, इसलिए मुझे स्मॉल ए तो मैं एज्यूम नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने इसको कैपिटल ए एज्यूम किया है। सो ए पी कितने है हमारे पास, ए ए पी मीन्स ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, और ए क्या कितना बच्चों हमारे पास, बी, ए क्या मीन्स ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। ये 1 है बच्चों और ये 2 है, तो मैं 2 को 1 के डाउन में लेके आ रहा हूं, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया बच्चों, यहां से डी कॉमन अंदर कितना बच गया, पी माइनस 1, जब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का क्यू प्लस का 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी, 1 से 1 कैंसिल, सो डी आ गया बच्चों हमारे पास ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। हाँ बच्चों हमें इसको शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने माइनस किया था ना 1 और 2 को, अब ऐड कर दे हम, ऐड 1 एंड 2, जब ऐड करेंगे तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, यानी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, में क्या ऐड करना हमने, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसको ऐड करना बच्चों हमने, सो ये क्या देगा, ए और ए 2a प्लस यहां से डी कॉमन अंदर, पी प्लस पी माइनस 1 में क्या ऐड हो जाएगा, क्यू माइनस 1 और यहां पे ए प्लस बी। बच्चों आगे देखिए 2a प्लस डी को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या है, पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और डी को माइनस 1 से अलग से मल्टी, माइनस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो बच्चों 2a प्लस हमारे पास पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल आया, ए प्लस बी प्लस डी। सो बच्चों 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी। डी कितना बच्चों हमारे पास, ए माइनस बी बटे पी माइनस क्यू। अब मुझे निकालना क्या था, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म का फार्मूला पी प्लस क्यू बाय टू, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सो बच्चों ये इसकी वैल्यू मैंने निकाली है यहां से, देखिए 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है ये बच्चों हमारे पास, a प्लस पी, सो इसकी वैल्यू रख देंगे हम पी प्लस
क्यू बाय टू इंटू ए प्लस बी, इस सारे की वैल्यू, ये सारे की वैल्यू ये आई है ना बच्चों हमारे पास, प्लस ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। सो बच्चों दिस वी हैड टू प्रूव, देखिए हमें इसको इसी के इक्वल प्रूव करना था, ये देखो यहाँ पे, सो हेंस प्रूव।